पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज दिल्ली जाएंगे। तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक सीएम मान दिल्ली पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री मान दिल्ली में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और आपको बता दें कि सोमवार को दिल्ली स्थित मेजर ध्यानचंद में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल होंगे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने क्रॉस बॉर्डर नार्को टेररिज्म की रोकथाम के लिए उत्तर भारत में 14 ठिकानों पर रेड की है। जम्मू कश्मीर के अलावा टीमों में पंजाब, अमृतसर, फिरोजपुर, तरनतारन में भी दस्तक दी है। इसके साथ ही एनआईए की एक टीम अमृतसर केंद्र सुधार गृह तक भी पहुंची। ये पहला मौका था जब एनआईए ने पंजाब की जेलों का रुख किया है। सूत्रों के मुताबिक छापेमारी के दौरान किसी अधिकारी को जेल के अंदर न फोन उठाने की अनुमति थी और न ही बाहर जाने की। छापेमारी में जेल में बंद कुछ नशा तस्करों और गैंगस्टरों की तलाशी ली गई और पूछताछ की गई। अमृतसर पुलिस ने सीमा पार से नशा तस्करी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। नशा तस्करी गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 10 किलो हेरोइन और ड्रोन बरामद किया गया। पुलिस ने बताया है कि दोनों तस्कर पिछले 3 साल से नशा तस्करी का काम करते हैं। खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस ने इन्हें पकड़ने में सफलता हासिल की है। बता दें कि पंजाब पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। वडाला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक दुकान से चेकिंग के दौरान लगभग 300 चाइना डोर बरामद किए हैं जिसके बाद पुलिस ने आरोपी दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बटाला के सिविल अस्पताल के कर्मचारियों की लापरवाही का मामला सामने आया है जिसमें कर्मचारियों ने लावारिस शव किसी और मृतक के परिजनों को सौंप दिया है। इसकी जानकारी मिलते ही परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया और मृतक का शव मांगने लगे जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप भी लगाया। संगरूर के गांव झाड़ों की पंचायत ने बड़ा फैसला लिया है। पंचायत ने फैसला लिया है कि 1 जनवरी से गांव में कोई भी नशा नहीं बेच सकेगा और ना ही कोई नशा करेगा। इसके साथ ही इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। गांव के युवा व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पूरे गांव की निगरानी करेंगे।